नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का 14वां भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस 300 प्लस प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग सीटेट एग्ज़ाम में पर्यावरण विषय में 30 में से 20 से 25 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें, जहाँ सारे भाग का पीडीएफ उपलब्ध है। इस भाग का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना। और ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना होता है। इसके प्रयोग से बालकों को विविध प्रकार की क्रियाएं करने की अवसर मिलते हैं, साथ ही कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। ऑप्शन ए है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन। ऑप्शन बी है, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन सी है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और ऑप्शन डी है, बच्चों तकनीक शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य पर्यावरण समस्याओं की जटिलता को समझना तथा समस्या समाधान की क्षमता एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करना है, ताकि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जा सके। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। ऑप्शन बी है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन सी है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। और ऑप्शन डी है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इस प्रकार वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। वैकल्पिक ढांचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ड्राइवर और इसले द्वारा वर्ष 1978 में किया गया था। यह ढांचा बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर देता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए है, चित्रण कौशल। ऑप्शन बी है, स्थितीय कौशल। ऑप्शन सी है, ग्राफिक कौशल। और ऑप्शन डी है, दिशात्मक कौशल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रण कौशल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल कहलाती है। इस कौशल से किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पहचाना जा सकता है। इसका उपयोग नवीन स्थानों को खोजने व स्थितियों को
जानने में किया जाता है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, पौधों में जल तथा खनिज का अधिग्रहण होता है। ऑप्शन ए है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी है पैलिसेड द्वारा, ऑप्शन सी है जाइलम द्वारा और ऑप्शन डी है कैम्बियम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जाइलम द्वारा। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। जाइलम मृदा से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का अधिग्रहण होता है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना, ऑप्शन बी है पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, ऑप्शन सी है छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना और ऑप्शन डी है प्रदूषण के रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। पर्यावरण प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति सचेत करना एवं रुचि का विकास करना होता है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि ऑप्शन ए है विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, ऑप्शन बी है यह विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, ऑप्शन सी है यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी की व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि इस विधि में विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास नहीं करती है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। ऑप्शन ए है बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन बी है लाल प्रकाश, ऑप्शन सी है नीला प्रकाश और ऑप्शन डी है हरा प्रकाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाल प्रकाश। पौधों में जल प्रकाश पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश वर्णों में होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी है पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन सी है सामान्य शिक्षा और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा की समस्या हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी पर्यावरण शिक्षा है, यानी पर्यावरण की समस्या को हल करने के लिए पर्यावरण शिक्षा जानना जरूरी होता है। दसवां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है विश्व के जल संसाधनों से संबंधित आंकड़े बताकर, ऑप्शन बी है कक्षा में दोस्तों के साथ इस समस्या की चर्चा करने के लिए कहकर, ऑप्शन सी है सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर और ऑप्शन डी है उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर पानी का संरक्षण करने की विधियों की चर्चा करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर। विद्यार्थियों को विश्व भर के सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना चाहिए। फिल्म जैसे दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री सबसे बेहतरीन शिक्षण सामग्री होती है।
क्योंकि यह विद्यार्थियों के अधिगम के साथ सभी पक्षों को प्रभावित करती है, जैसे ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञात्मक पक्ष। यह समस्या के प्रति उन्हें और अधिक संवेदनशील बनाती है। अगला चरण है उनके साथ जल संरक्षण के तरीकों को चर्चा करना, लेकिन सबसे पहले उन्हें समस्या से अवगत कराया जाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।